अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा की क्लास इकाइनोइडिया को, जिसमें हम स्टडी करेंगे इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटेनेंस फंक्शंस और रिप्रोडक्शन को। तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोइडिया को स्टडी करते हैं। इसमें इंक्लूडेड है हमारे पास सी अर्चिन्स, सैंड डॉलर्स और हार्ड अर्चिन्स। अब जो सी अर्चिन्स है वो स्पेशलाइज्ड हैं कि वो हार्ड सबस्ट्रेट के ऊपर रहें और ज़्यादातर अपने आप को वेज करके रखते हैं क्रेविसेस या फिर होल्स इन कोरल। और यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हैं दो रॉक्स पड़ी हुई, इनके दरमियान जो एम्प्टी स्पेस, ये हमारे पास है क्रेविस। तो इस क्रेविस के अंदर जो है वो अपने आप को वेज करके यानी अपने आप को फोर्सफुली फिट करके इसके अंदर ही जो है वो रहेंगे सी अर्चिन्स हार्ड सबस्ट्रेट के ऊपर, या फिर कोरल कोरल्स के अंदर भी जो क्रेविसेस या फिर हल्की फुल्की जो रॉक्स के अंदर होल्स प्रेजेंट है उनके अंदर अपने आप को वेज करके रहेंगे। इसके अलावा जो सैंड डॉलर्स हैं और हार्ड अर्चिन्स हैं वो सैंड और मड इन्वायरमेंट में हमें ज़्यादा नज़र आते हैं और सरफेस से थोड़ा सा ही नीचे जो है वो अपने आप को बोरो करके मतलब छुपा के नीचे जो है वो रहते हैं। अब इनके जो ट्यूब फीड होते हैं या यूज़ होते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर को ये कैच कर सके, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास ये सैंड डॉलर या हार्ड अर्चिन जो है ये नीचे इस तरह से पड़ा हुआ और इसके ऊपर जो है ये सैंड की हल्की सी लेयर है, तो सैंड में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर वगैरह होगा ये इसको कैप्चर करेगा अपने ट्यूब फीड को यूज़ करते हुए और ऑफकोर्स पे इस पर फीड करेगा। और इसके अलावा ये डेंस बेड्स को फेवर करते हैं, मतलब इस तरह के सैंड और मडी इन्वायरमेंट को फेवर करते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट है ताकि इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो भी फिर एफिशिएंट हो सके। अब इनकी जो बॉडी होती है वो ये राउंडेड है और 10 जो है वो क्लोजली फिटिंग प्लेट्स पर कंसिस्ट होती है। अब इनकी बॉडी को हम बोलते हैं टेस्ट और 10 प्लेट्स पे इसने कंसिस्ट होना है, जिसमें 5 आती है हमारे पास एम्बोलेक्रल प्लेट्स और 5 आती हैं इंटर एम्बोलेक्रल प्लेट्स। तो जो 5 एम्बोलेक्रल प्लेट्स हैं उनको अगर देखें तो उनके अंदर ओपनिंग्स हैं ट्यूब फीड के लिए, और जो 5 इंटर एम्बोलेक्रल प्लेट्स हैं उनके पास है ट्यूबरकल्स फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ स्पाइंस। यानी फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है इंटर एम्बोलेक्रल प्लेट, तो इसके ऊपर जो है हल्की सी इस तरह से प्रो ट्यूबरेंस या फिर स्वेलिंग होगी जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरकल। तो ये ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है इंटर एम्बुलेक्रल प्लेट्स के ऊपर ताकि जो स्पाइंस हैं वो यहाँ पे अटैच हो सके, उनकी आर्टिकुलेशन हो सके। और अब देखते हैं नेक्स्ट, जो बेस है हर स्पाइन की वो हमारे पास है एक कनकेव सॉकेट के फॉर्म में, और जो मसल्स एसोसिएटेड है इसकी बेस के ऊपर वही ऑफकोर्स स्पाइन को जो है वो मूव करेंगे। अब स्पाइन जो है ये होलो भी हो सकता है, अगर होलो होगा तो ये विनोम कंटेन कर सकता है तो जो कि स्विमर्स के लिए ऑफकोर्स फिर डेंजरस होगा। और जो पेडिसिलरी है हमारे पास इसके जो हैं क्लास इकाइनोइडिया के केस में 2 और 3 जार्स प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर, और इसने और बॉडी वाल से जो है ये लॉन्ग स्टाक्स के थ्रू कनेक्टेड होती है, यानी ये हमारे पास बॉडी वाल है तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्टाक के थ्रू जो है ये पेडिसिलरी कनेक्टेड होगी और इसके 2 या 3 जार्स जो हैं वो होंगे। अब ये जो पेडिसिलरी इसका काम क्या है, जैसे हमें पता है इसका काम जो है एक तो बॉडी को क्लीन करने में है, और इकाइनोइडिया के केस में इसका जो दूसरा काम है इसका काम है प्लांकटन को कैप्चर करना भी। तो जैसे हमने देखा ये ऑर्गेनिक मैटर पर भी फीड कर सकते थे, इसके अलावा ये प्लांकटन को कैप्चर करके भी इस पर फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम को। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है हमारे पास कंसिस्ट होता है एडेरियल कैनाल, ट्यूब फीड, और इसके ट्यूब फीड के पास जो है ये सक्शन डिस्क और एम्प्यूला जो है ये प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम का काम है आगे मूवमेंट में हेल्प करना, और जो मैड्रीपोराइड ऑफ कोर्स ये सर्व करता है एज एन इनलेट फॉर वाटर एंट्रेंस। और यानी कि ऑफकोर्स सारे के सारे वाटर वास्कुलर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्लास एस्टीरोइडिया के केस में देखे थे। और स्पाइंस अगर मूवमेंट कैसे करनी है, तो स्पाइंस जो हैं इसको यूज़ करेंगे पुशिंग अगेंस्ट द सबस्ट्रेट के लिए, और ट्यूफिट को यूज़ करेंगे पुलिंग के लिए। इसके अलावा ये अपने आप को किसी भी सैंड के अंदर जो है वो बोरो करके रह सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव एक्शंस हैं, तो स्ट्रॉन्ग वेव करंट्स को जो है वो अवॉइड करने के लिए अपने आप को बोरो भी कर सकते हैं। तो अब ये है इनका स्ट्रक्चर। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो जैसे हम देख सकते हैं इनके सारे के सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे जहाँ ये अवेलेबल है, ये इंटरनल जो कैविटी है वो हमारे पास है सिलोम, जिसको अभी हम देखेंगे डिटेल में। इसके बाद ये ओरल सरफेस जो है ये माउथ प्रेजेंट है, और ओरल सरफेस ये देखें डाउनवर्ड लोकेटेड है, और ये माउथ के साथ ही ऑफकोर्स टूथ भी प्रेजेंट है या फिर एरिस्टोटल लैंटर्स ऐसे अपरेटस है ये प्रेजेंट है। इसके अलावा ओरल ट्यूब फिट यानी जो ओरल साइड पर प्रेजेंट है, और ट्यूब फिट के पास हम जैसे देख चुके हैं एम्प्यूला भी प्रेजेंट, और इसके अलावा सक्शन डिस्क भी प्रेजेंट है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को भी अभी हम बाद में देखेंगे, अभी जो पार्ट्स हमने स्टडी कर लिए फिलहाल उनको देखते हैं। और मैड्रीपोराइट यानी कि वाटर के इनलेट के तौर पर जिस ओपनिंग में एक्ट करना है वो है यहाँ पे, और इसके अलावा ऑफकोर्स ये मैड्रीपोराइट के पीछे जो है ये हमारे पास है
रेडियल कैनाल और ये हमारे पास है रिंग कैनाल। और इसी रिंग कैनाल से ही बाकी सारी की सारी दूसरी भी रेडियल कैनाल निकल रही है, जिसके आगे जो है वो फर्दर लेटरल कैनाल्स के साथ ट्यूब फीड कनेक्टेड है। इसके अलावा ये हमारे पास है पेडिसिलरी, जो कि एक लॉन्ग स्टाक से जो है वो बॉडी वाल्स के साथ अटैच है और जिसका काम जो है वो बॉडी वाल को क्लीन करना और इसके अलावा इकाइनोडिया के केस में प्लांकटन को कैप्चर करना भी है। और यहाँ पे हमारे पास स्पाइंस, और स्पाइंस हमें पता है कौन सी स्पाइंस हमारे पास इंटर एम्बोलैक्रल प्लेट्स के ऊपर प्रेजेंट थी, यानी ये हमारे पास है इंटर एम्बोलैक्रल प्लेट्स और इस साइड वाली जहाँ से ट्यूब फीड जो है वो बाहर निकल रहे हैं वो हमारे पास है एम्बोलैक्रल प्लेट्स। तो इस तरह जो है वो 10 प्लेट्स पे इनकी बॉडी कंसिस्ट होती है, 5 इस साइड पे और 5 ही इस साइड पे। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके मेंटेनेंस फंक्शंस को। तो मेंटेनेंस फंक्शन में सबसे पहले देखते हैं इनकी फीडिंग को। अब ये फीड कर सकते हैं एल्जी के ऊपर, ब्रायोजोन्स, अब ये हमारे पास है स्मॉल ऑर्गेनिजम्स और ये भी ऑफकोर्स इन्वर्टिब्रेट्स ही हैं, कोरल पॉलिप्स के ऊपर या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। अब इनके जो ओरल ट्यूब फीड है जो माउथ को ऑफकोर्स सराउंड करते हैं, यही फूड को जो है वो मैनिपुलेट करेंगे, यानी माउथ तक डिलीवर करने का काम करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास है चीविंग अपरेटस जो कि 35 ऑर्टिकल से मिलके बना होता है और अपने अटैच मसल्स के साथ, इसको हम बोलते हैं अरिस्टोटल लैंटर्न। ये हमारे पास है अरिस्टोटल्स लैंटर्न का स्ट्रक्चर जो कि 35 ऑर्टिकल्स और अटैच्ड मसल्स से जो है वो ये मिलके बना होता है और इसका काम क्या है, ये चीविंग अपरेटस है, मतलब फूड को च्यू करना इसका काम है और इसी को हमने यहाँ पर टूथ का नाम दिया हुआ है। अब आगे जो है माउथ है, तो माउथ जो है ऑफकोर्स फेरिंग्स को लीड करेगा, फेरिंग्स के बाद आएगी एसोफेगस और एसोफेगस के बाद आएगी लॉन्ग कोयल्ड इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन के एंड पे आएगी एनस जो कि ऑफकोर्स अबोरल साइड पे जो है वो प्रेजेंट होगी। यानी फीडिंग में सबसे पहले फीड किस चीज़ों पे करना है, इसके अलावा जो ट्यूब फीड है वही जो है वो फूड को डिलीवर करने का काम करेंगे माउथ तक। माउथ में जब फूड जाएगी तो इसके बाद जो है अरिस्टोटल लैंटर्न या फिर टूथ जो है वो फूड को च्यू करने का काम करेंगे और च्यू करने के बाद बाकी जो है वो पार्ट्स में फेरिंग्स, एसोफेगस, कोयल, इंटेस्टाइन और इसके बाद डाइजेशन के बाद जो है वो एनस में से जो है वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो बॉडी से एक्सपेल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें सर्कुलेशन और गैस एक्सचेंज का प्रोसेस किस तरह से होता है। अब इनके जो सिलोम है हमें पता है बहुत ज़्यादा लार्ज है और सिलोमिक फ्लूड ही इसका मतलब है प्राइमरी सर्कुलेटरी मीडियम के तौर पर एक्ट करते हैं। इसके अलावा जो हम देख चुके हैं गिल्स, स्मॉल गिल्स जो कि माउथ के करीब प्रेजेंट है और थिन मेम्ब्रेन्स के अंदर, अब यही जो है इनकी जो एपिथीलियम होती हैं ये सीलिएटेड है तो ये स्मॉल गिल्स के थ्रू भी काफ़ी हद तक जो है वो डिफ्यूजन हो जाती है। इसके अलावा जो गैस एक्सचेंज है वो होगा ऑफकोर्स इस एपिथीलियम के थ्रू या फिर इन स्मॉल गिल्स के थ्रू और इसके अलावा ट्यूब फीड के थ्रू। अब जो सीलरी करंट्स हैं यानी जो सीलिया की बीटिंग है, इसके अलावा सिलोमिक प्रेशर में जो चेंजेस हैं और जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है अरिस्टोटल लैंटर्न से एसोसिएटेड जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन है वही फुल फ्रूट को मूव करेगी इनटू एंड आउट ऑफ दीज गिल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट को। तो ये हमारे पास है डायोशियस और यहाँ पे एम्बोलैक्रल ग्रूव्स के अंदर ही जो है वो गोनेड्स यानी इस साइड पे जो है इन्हीं ग्रूव्स के अंदर जो है वो गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं और गोनोपोर जो है वो हर एक ओजिकल के अंदर, 5 ओजिकल्स में हर एक ओजिकल के अंदर जो है वो गोनोपोर प्रेजेंट होता है। अब गोनोपोर हमें पता है इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं जहाँ से जो गमीट्स हैं वो बॉडी को लीव करते हैं। तो ऑफकोर्स इन फिर ओजिकल्स को हम बोलेंगे जेनिटल प्लेट्स और ये एबोरल एंड ऑफ इकोइनॉइड पे जो जेनिटल प्लेट्स हैं वहाँ पे होंगे गोनोपोर्स। अब जो फर्टिलाइजेशन है ये एक्सटर्नल होगी और प्लूटियस लावा यानी मूवेबल लावा जो है वो बनेगा जो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो प्लांकटन के ऊपर फीड करने में गुजारेगा, यानी कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स जो फ्लोट करते हैं मैरीन इन्वायरमेंट में उन पे फीड करेगा। इसके अलावा जो है वो अडल्ट बॉडी फॉर्म में डेवलप कर जाएगा। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो, अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन आए कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।